इसराइल और फिलिस्तीन के बीच का विवाद दुनिया के सबसे पुराने विवादों में से एक है, जो बड़े और भयानक युद्ध और सैकड़ों झड़पों के बाद भी अनसुलझा है। ताजा हमले में भारतीय मूल की सौम्या की भी मौत हो गई। हमले के वक्त सौम्या अपने पति से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी और इसराइल में हालात क्या है उसके बारे में जानकारी दे रही थी। आखिर क्या है इसकी वजह जिसने फिर से जंग को बारूद की नई खेप थमा दी? मई 2021 रात का वक्त, हमास ने इसराइल पर रॉकेटों की बरसात कर दी। एक के बाद एक रॉकेट इसराइल की तरफ बढ़ने लगे। सायरन की आवाज बजने लगी और देखते ही देखते हवा में ही ये रॉकेट नष्ट हो जाते हैं। इसराइल के आसमान में हमास के ये रॉकेट खोने लगे, मानो इन्हें कोई बीच में खा रहा हो। इसराइल की धरती तक हमास के रॉकेट इसीलिए नहीं पहुंच सके क्योंकि आयरन डोम ने इन्हें बीच में ही रोक लिया। आखिर ये आयरन डोम क्या है जिसने अब तक इसराइल की बड़ी आबादी को हमास के रॉकेट हमलों से बचाकर रखा है? आखिर ये आयरन डोम कैसे काम करता है? तो सबसे पहले ये जानिए कि आयरन डोम इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है, जो पिछले 10 सालों से ऐसे ही इसराइल को दुश्मनों की बुरी नजर से बचा रहा है। दिन हो या रात, आयरन डोम के रूप में इसराइल ने ऐसा सुरक्षा कवच पहन रखा है जिसे भेद पाना हमास के रॉकेटों के बस के बाहर है। सवाल यह है कि आयरन डोम इसराइल की तरफ आने वाले रॉकेट से कैसे अपने देश की रक्षा करता है। आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा रडार है, जो हमास के रॉकेट की गति और दिशा की जानकारी जुटाकर कंट्रोल सेंटर को देता है। कंट्रोल सेंटर आयरन डोम का दूसरा हिस्सा है, जिसमें लगे हाई स्पीड कंप्यूटर रडार से जानकारी मिलते ही ये पता करते हैं कि ये रॉकेट कहाँ गिरने वाला है। लॉन्चर आयरन डोम का तीसरा हिस्सा होता है, जिसमें कई इंटरसेप्टर मिसाइलें लगी होती हैं, जो इशारा मिलते ही हवा में रॉकेट को खत्म करने निकल जाती हैं और रॉकेट के करीब पहुंचकर ब्लास्ट हो जाती हैं, जिससे रॉकेट आसमान में ही ध्वस्त हो जाता है और सिर्फ उसका मलबा ही जमीन पर गिरता है। आयरन डोम का एक और हिस्सा मीडियम और लॉन्ग रेंज मिसाइलों के लिए भी है, यानी ये लड़ाकू विमानों से दागी जाने वाली मिसाइलों और ड्रोन्स को भी निशाना बनाने की काबिलियत रखते हैं। इसराइल के लिए तो आयरन डोम गेम चेंजर साबित हुआ है, जिसने हमास जैसे उसके दुश्मनों के हमलों की धार को कुंद कर दिया है, वरना हमास ने इसराइल को अपने रॉकेट हमलों से परेशान कर दिया था। साल 2001 में हमास की तरफ से पहला रॉकेट दागा गया था, जिससे होने वाले नुकसान से उत्साहित होकर इसराइल पर रॉकेटों की आगे बरसात होने लगी। साल 2006 तक आते आते तेल अवीव और यरूशलम पर हमास के रॉकेट गिरने लगे, जिसने इसराइल को आयरन डोम बनाने को मजबूर कर दिया। इसराइल की सरकार ने यह काम राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम को दिया, जिसने इसराइल एयरस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर हमास के मंसूबों पर पानी फेरने वाला हथियार इसराइल को सौंप दिया, जिसमें अमेरिका ने उसकी आर्थिक मदद की। साल 2011 से आयरन डोम गाजा से आने वाले हर तरह के रॉकेटों को जमीन पर गिरने से पहले ही हवा में यूं ही तबाह कर रहा है। हालांकि कई एक्सपर्ट आयरन डोम को लेकर इसराइल के दावों को पूरी तरह से सही नहीं मानते। वॉशिंगटन पोस्ट की खबर के मुताबिक अलग अलग रक्षा विशेषज्ञों ने इसराइल के आयरन डोम का सक्सेस रेट 80-90% बताया है। इसीलिए आयरन डोम हमास की तरफ से आने वाले सभी रॉकेटों को रोक पाने में नाकाम रहा। कई रॉकेट इसराइल की जमीन पर गिरने में कामयाब रहे, इससे कई इमारतों को नुकसान भी पहुंचा और इसराइली नागरिक भी मारे गए। लेकिन फिर भी आयरन डोम के कंधों पर इसराइल की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, जिसके बल पर वो हमास को बड़ा जख्म देने की चेतावनी दे रहा है। אמרתי אתמול שלבני החושך האלה, לטרוריסטים של החמאס והג'יהאד האסלאמי שדמם בראשם, ולפני שעה קלה אנחנו חיסלנו מפקדים בכירים במטה הכללי של החמאס, כולל את מחת עזה,
וגם מפקדים אחרים, וזו רק ההתחלה. אנחנו נקה בהם מכות שהם לא חלמו עליהם. 1967 के अरब इसराइल युद्ध को जीतकर इसराइल पूर्वी यरूशलम पर कब्जा कर लिया था। इसी यरूशलम के तीन हिस्सों में हो रही हिंसा इस सारे तनाव को बढ़ा रही है। पहला फ्लैश पॉइंट अल अक्सा मस्जिद है, दूसरा दमस्कस गेट और तीसरा यरूशलम का शेख जरा इलाका है, जहां फिलिस्तीनियों और इजरायली पुलिस के बीच तीखी झड़प हुई, जिसने इस विवाद को इतना बड़ा कर दिया। सोमवार से हुई हिंसा में 5 दर्जन से ज्यादा फिलिस्तीनी और आधा दर्जन से ज्यादा इजरायली मारे जा चुके हैं, जिसे रोकने के लिए अमेरिका ने दोनों पक्षों से बात करना भी शुरू कर दिया है। वो एक राजदूत को भी इन देशों में भेजने वाला है। यही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक दूसरे से फोन पर भी बातचीत की है। I had a conversation with Bibi Netanyahu not too long ago. I'll be putting out a statement very shortly on that. My expectation and hope is that this will be closing down sooner than later. But Israel has a right to defend itself when you have thousands of rockets flying into your territory. इजराइल अमेरिका का करीबी दोस्त है, जिसके समर्थन ने इसराइल को कड़ा रुख अपनाने की सहूलियत दे दी है, और बेंजामिन नेतन्याहू हमास को ध्वस्त करने की बात कह रहे हैं, जिसमें इसराइल का आयरन डोम बहुत अहम रोल निभा रहा है। आज तक ब्यूरो।